हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा उड़ी उड़ी जाए सॉन्ग के बारे में, जो कि रईस का तीसरा गाना है। पहला गाना आपको पता ही है, लैला में लैला सॉन्ग था, जो सनी लियोन पर फिल्माया गया था। वो गाना 6 करोड़ के ऊपर उसके व्यूज़ है। फिलहाल की बात अगर मैं बात करूँ तो 650 करोड़ के ऊपर व्यूज़ है। और 6.5 करोड़ बहुत अच्छा एक व्यूज़ कहा जाए अगर यूट्यूब की बात करें तो। यानी कि ये सॉन्ग अभी भी वायरल है और भाग रहा है बहुत अच्छी तरह से। और मुझे लग रहा है फिल्म रिलीज़ होते होते तक ये 8 करोड़ के पार चला जाएगा, जो कि अपने आप में एक बड़ी बात होगी। वहीं दूसरा सॉन्ग जो जालिमा रिलीज़ हुआ, और उसके जो लास्ट व्यूज़ मैंने जब तक देखे थे, कुछ मतलब जो एक हफ्ते की पहले की बात करूँ, आई थिंक 2 करोड़ के ऊपर व्यूज़ थे। एक हफ्ते नहीं, मतलब 3 से 4 दिन पहले 2 करोड़ के ऊपर व्यूज़ थे, तो आई थिंक 3 करोड़ के आसपास वो भी पहुंच गया होगा। और ये गाने के जो व्यूज़ है, जो आज रिलीज़ हुआ उड़ी उड़ी जाए, ये गाना का व्यूज़ मैं 39 लाख देख रहा हूँ जो अभी है। और सुबह आज ही गाना रिलीज़ हुआ 10 बजे करीबन। और बहुत अच्छा एक सॉन्ग है ये, मकर संक्रांति फेस्टिवल पे पूरा का पूरा डेडिकेटेड है। और जैसे कि गुजरात में पे फिल्म बेस्ड है, और कहीं ना कहीं वहाँ से ही किसी गैंगस्टर पे फिल्म इंस्पायर कही जा रही है, तो उस हिसाब से गुजरात का जो थीम है, जो गरबा है, डांडिया वाला फील आपको आएगा ये गाने में। और ये गाना सुखविंदर सिंह ने गाया है, भूमि त्रिवेदी भी साथ में उनके है, और करसन सगाठिया करके एक सिंगर है। इन तीनों ने मिलकर ये गाने के जो बोल दिए हैं, यानी गाना गाया है अच्छे से। और कहीं ना कहीं राम संपत ने इस फिल्म का म्यूजिक भी दिया, तो गानों का भी म्यूजिक उन्होंने दिया है। और सबसे बढ़िया बात यह है कि इसका ये गाना बहुत ही अच्छे से लिखा गया है, और इसे लिखा है जावेद अख्तर ने। तो ओवरऑल गाना बहुत बढ़िया है, मुझे गाना पसंद आया। करीबन करीबन 2 मिनट 31 सेकेंड का गाना है, और ये गाना भी मेरे दिल को छुआ। जैसे पहला था लैला में लैला, जालिमा दूसरा था, और तीसरा ये गाना उड़ी उड़ी जाए बहुत अच्छा है। और गानों के हिसाब से देखा जाए तो ये फिल्म का गाना, यानी कि रईस का गाना, एक नंबर, हम कह सकते हैं कि एक नंबर पर है। मतलब बहुत अच्छे चल रहे हैं दोनों गाना, और ये भी गाना फिलहाल धमाल मचाएगा। और कहीं ना कहीं शाहरुख खान की पूरी गिफ्ट है, शाहरुख खान की टीम की तरफ से मकर संक्रांति की के लिए, फैंस के लिए, कि मकर संक्रांति अच्छे से मनाया। और ये गाने में कई सारे सीन्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ये गाने का बोल कुछ ऐसे है, गाने के बोल कि उड़ी उड़ी जाए, उड़ी उड़ी जाए, दिल की पतंग देखो उड़ी उड़ी जाए, तो एक अच्छा खासा बोल है, जबान पे अपने आप छोड़ जाएगा आपके। और सिंपल सा गाना है, म्यूजिक भी सॉफ्ट है, तो एक बहुत अच्छा प्लेलिस्ट में आपके तुरंत ही डाउनलोड करके देख सकते हैं और डाल भी सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये गाना मेरे हिसाब से एक अच्छा गाना है। ये सेकेंड रोमांटिक सॉन्ग है, पहला वाला थोड़ा सा लैला मलैला आइटम सॉन्ग था, दूसरा रोमांटिक नंबर था जालिमा, और ये भी एक रोमांटिक नंबर ही है, लेकिन ये डांडिया उस तरह से खेलते हुए एक सॉन्ग फिल्म आएगा। तो ओवरऑल ये भी गाना अच्छा है, आपको कैसा लगा ये गाना आप ज़रूर बताइएगा। मुझे तो ये सॉन्ग बहुत बढ़िया लगा है। आप जी म्यूज़िक पर गाना देख सकते हैं, यूट्यूब पे है, और या चाहे तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ये गाना रख देता हूँ, वहाँ से भी आप चीज़ तो देख सकते हैं गाना। वैसे तो ट्रेंड ही हो रहा है गाना, और मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको किस तरह से लगा गाना आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय।